दोस्तों YouTube पे मुझे मेरा एक भाई ने कमेंट किया था कि सर क्लासिक वर्सन तो आप चली गई है, किस तरह बीटा वर्सन में टेटासन फीचर्स को ओपन करें और YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे करें और लाइव स्ट्रीम कैसे करें। दोस्तों अगर आपका YouTube चैनल वेरीफाई नहीं है तो आप YouTube में थंबनेल नहीं लगा सकते, आप 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं छोड़ सकते, आप लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं कर सकते। तो बीटा वर्सन में कैसे चैनल को वेरीफाई करते हैं आज हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप आपका YouTube चैनल को डेस्कटॉप वर्सन में ओपन कर लो और ओपन करने के बाद आपका साइड में जो आपका चैनल का लोगो है उसमें क्लिक कर देने के बाद आप इसको बीटा वर्सन में ओपन कर लो। और ओपन कर देने के बाद आपको सबसे नीचे में सेटिंग वाला जो बटन दिख रहा है आपको सिंपली सेटिंग वाला बटन में क्लिक कर देना होगा। और क्लिक कर देने के बाद जेनरल से नीचे जो आपको चैलेंज दिख रहा है तो आपको चैलेंज में चले आना है। और चैलेंज में आने के बाद एकदम साइड में जो है फीचर्स एंड इवेलिटी उधर आपको चले आने, आपका डिफेल सेटिंग, आपका जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो इनेबल है और उसके नीचे वाला इनेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इनेबल करने के लिए नीचे जो टेटस एंड फीचर्स दिख रहे हैं आपको सिंपली उसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरा दूसरे ब्राउज़र में आ रहा था क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा था। तो हम क्रोम ब्राउज़र में दिखाने के लिए बात करें तो उससे उसका URL कॉपी करके हम क्रोम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। आपसे आपका ब्राउज़र मांगेगा तो आप आपका ब्राउज़र दे देना, आपको इसी एक पेज में लेके आएगा। ये मेरा गेस्ट स्टडी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस कर रहा था। सबसे ऊपर उधर जो वेरीफाई दिखा रहा था तो वेरीफाई पे आप क्लिक कर दो और क्लिक कर देने के बाद आपसे आपका कंट्री मांग लेना और नीचे में आप किससे यार वेरीफाई कोड चाहते हो वो वाला चीज़ दे देना और नीचे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांग देगा तो आप आपका मोबाइल नंबर दे के सबमिट कर दो। और सबमिट कर देने के बाद आपसे 6 डिजिट का जो OTP कोड है वो मांगेगा तो आप इधर आपका 6 डिजिट का OTP कोड डाल दो और OTP कोड 6 डिजिट का ही आएगा आपके मोबाइल में। तो मेरे मोबाइल में आ गया है मैसेज के थ्रू, तो मैं इधर डालने के बाद सिंपली सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट कर देने के बाद मेरा जो YouTube का ये जो चैलेंज है यानी जो अकाउंट है ये वेरीफाई हो गया, आपको दिखा रहा है यानी मेरा 2 पेज पे हो रहा था। तो मैं सिंपली पहला वाला पेज में यानी मेरा जो चैलेंज का डैशबोर्ड है उधर आके मैं सिंपली इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। और रिफ्रेश कर देने के बाद मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ चैलेंज, और चैलेंज में जाने के बाद फीचर्स एंड इवेलिटी में आता हूँ और देखो दूसरे वाला भी इनेबल हो गया, ठीक है। और इसको वेरीफाई कर देने के बाद अब मैं मेरा यानी मैं आपका अपना वीडियो में थंबनेल ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक ऐसे वीडियो अपलोड किया था और वो वाला वीडियो पे मैं थंबनेल अभी ऐड करके दिखाता हूँ। इधर जो अपलोड थंबनेल आ रहा है तो इधर आप किसी भी एक थंबनेल को चूज़ कर लेना। तो मैं इधर एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर देने के बाद ये देखो आ गया, मेरे को सेव करने के लिए बोल रहा, मैंने सेव किया तो मेरा जो थंबनेल है वो थंबनेल वगैरह सब कुछ ऐड हो गया, ठीक है। अब वो वाला मेन्यू में जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इनेबल आया है यानी दूसरा वाला पेज में। दूसरा वाला पेज को ओपन कर देने के बाद आपको एक बार इसको रिप्लेस कर लेना है। तो मैं इसको जब भी रिप्लेस करूँगा तो देखो मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है। मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो छोड़ सकता हूँ, मैं कस्टम थंबनेल लगा सकता हूँ, वीडियो को प्राइवेट वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन लाइव स्ट्रीम अभी तक इनेबल नहीं है। आप कुछ साइड में जो इनेबल का बटन दिख रहा है आप सिंपली उसमें जाके इनेबल करो, 48 घंटे या फिर 24 घंटे के अंदर हो जाएगा।